ये सड़क ठीक है, जल्दी से फोन लगा लेता हूँ मैं अपनी स्वीट हार्ट को, वेट कर रही होगी। अरे भिखारी, ये सामान यहाँ पे क्यों रख रहा है, चल हटा यहाँ से। हेलो, माफ करना, कबाड़ी हो रहा हूँ, ये सरकारी सड़क है, मैं अपना सामान जिधर मर्जी रखू, तेरे को क्या है। अबे सरकारी सड़क आगे शुरू होती है, ये 5 साल से हमें इसमें बिस्तर डाल के सो रहे, चल हटा यहाँ से। ये सही है तेरा, मैं भी बचपन से पटरियों पे जाके हल्का हो रहा हूँ, तो क्या पटरियाँ मेरी हो गई। ये जो सड़क होती है ना घर के बाहर, वो घर के मालिक की नहीं होती, इस बात पे गलत हो रही हो, माफ करना बात। अबे ये हिंदुस्तान है, तुझे पता है घर के बाहर जो 12 फीट की गली होती ना, उसमें भी 8 फीट अंदर ले लेते हैं अपने घर के अंदर। हिंदुस्तानी लोग हैं। और घर बनाते वक्त जो सीमेंट खर्चा पड़ जाता है ना, बजरी वगैरह, उसको बोलते हैं कि सड़क के दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर बना दो, बच्चे खेलते हैं। इतने बच्चे पैदा करते, खुद की स्पीड पे ब्रेक नहीं लगाते। ए, सुनो मेरी बात, मुझे माफ करना भाई, एक बात बताऊ, तू यार क्यों लेट करा रही है मेरे को, है तू जाने दे यार। राम नाम जपना पराया माल अपना। अबे परफ्यूम तो ऐसे लगा रहा जैसे लड़की से मिलने जा रहा। एकदम बिल्कुल सही घड़ी लगाया भाई। दरअसल बात ये कि मैं ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ, पिक्चर, इंग्लिश पिक्चर। तो देख क्या है ना, तू देर मत करा यार, कहीं तेरे चक्कर में मेरी फिल्म ना निकल जाए। जैसे तेरी शक्ल ना, मेरे को लगता तेरी लड़की ना किसी और के साथ निकल जाए। तो जिधर भी जाना ना तेरे को निकल, लेकिन अपना सामान लेके जा जाना, चल। अच्छा ये देख ले क्या है, 2 घंटे से ऊपर हुआ ना तो 1 मिनट का 50 रुपया लूंगा मैं। मेरे को मंजूर है, सुन मैं निकल रही हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड वेट कर रही होगी, मैं तेरा उसको बोल दो, ठीक है, तो ध्यान रखियो उसको। हेलो डार्लिंग, मैं निकल रही हूँ, तू टिकट एडवांस में लेके रख। ये छोड़ गया यही, तो पुराना माल बेचने वाले भी नई नई गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे भाजी। पर हो सकता है इसका काम चलता भी हो भाजी, क्योंकि ये वहम बना हुआ है कि नई चीजें बड़ी महंगी होती है, पुरानी चीजें सस्ती। आपको पता है जब पुरानी चीज बहुत ज्यादा पुरानी हो जाए ना, तो वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है, क्योंकि वो एंटीक हो जाती है। सपोज आप पिकासो की पेंटिंग मिल जाए भाजी, करोड़ों रुपए में बिकेगी, और चोर बाजारी वाले क्या करते हैं, कोई भी पेंटिंग उठा के लाते हैं, नीचे खुद लिखते थे पिकासो। वो भी हिंदी में, बेवकूफों को इतना भी था, पिकासो हिंदी में नहीं लिखता था। और कुछ लोग तो पेंटिंग के एग्जीबिशन में जाते ना, पेंटिंग समझ में भी नहीं आती, फालतू में इंटेलेक्चुअल बनते हैं। ओहो क्या बनाया है, क्या बनाया यार, समझ में नहीं आता, पूछ रहे कि बता रहे क्या बनाया क्या है। एक दिन मैं ऐसे ही किसी एग्जीबिशन में चला गया, भाई साहब बोल रहे क्या गहरी बात कही है पेंटर ने, भाई मार डाला, गहरी बात कही है। मैंने भाई साहब क्या कहा, क्या गहरा, बहुत गहरा है, पता नहीं चल रहा है। अजीब अजीब हरकतें करते हैं भाजी। एक टाइम पे ना घरों में पीतल और कांसे के बर्तन जो ना छुपा के रखते थे, क्योंकि आउटडेटेड हो गए, लेकिन धीरे धीरे करके ये एंटीक होते गए, अभी ना सब ड्राइंग रूम में रखते हैं सबके सब, ताकि लोगों पे इंप्रेशन भी पड़ता है कि हाँ हमारे पुरखे जो हैं हमारे लिए काफी कुछ छोड़ के गए। नहीं तो कई पुरखे तो ऐसे होते हैं मूछों वाली फोटो के अलावा कुछ नहीं छोड़ के जाते। अच्छा कई लोगों ने भाई खानदानी हुक्के रखे होते हैं अपने घरों में ना, पीतल का पुराना हुक्का, बड़ी शान से बुलाए, ये जो हुक्का है ये हमारे पिताजी पिया करते थे, और उससे पहले हमारे पिताजी के पिताजी पिया करते थे, और उससे पहले पिताजी के सारे पिताजी पिया करते थे। पीढ़ियों से ये हुक्का चलता आ रहा है, अब छठी पीढ़ी मैं हूं, मैं भी ये हुक्का पी रहा हूं। उनको ये बात समझ में नहीं आई, भैया तुम्हारी पीढ़ियों ने हुक्का नहीं पिया, हुक्का तुम्हारी 6 पीढ़ियां पी गया, अब तो छोड़ दो। लगे हुए हैं फिर भी। पुरानी चीज किसी हिस्ट्री के साथ जुड़ी हो ना भाजी, वो अनमोल हो जाती है। हाँ। जैसे मेरा एक दोस्त लॉर्ड माउंटबेटन का टाइपराइटर लेके आ गया, आधा घंटा लगे रहे बटन ने दबे उसका, 1 घंटे बाद हथौड़ी से दबाया। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि हमें आजादी लेट क्यों मिली, और टाइप ही नहीं चल रहा था टाइपराइटर। अच्छा कुछ लोग नकली चीजें बेचते हैं ना, जब कि ये एंटीक है, बेचते बेचते खुद ही भूल जाते बोला क्या था। एक आदमी एक बंदे को टोपी बेच रहा, भाई साहब शाहजहां की टोपी लीजिए, शाहजहां की। उसने पहनी, बोलता भाई साहब ढीली है, कोई बात नहीं ये दीजिए, छोटू 6 नंबर वाली लेके आ। खुद ही भूल गया। एक आदमी ने तो हद ही कर दी, एक लड़की को जींस की पैंट बेच रहा है, ये लीजिए मैडम ये अनारकली की जींस है। वो कहती है अनारकली तो घाघरा पहनती थी, वाशाकुर के सामने पहनती थी, सलीम के सामने जींस ही पहनती थी, आप रखो। बेच रहा है कुछ ना कुछ।
विदेशों में तो कुछ लोग पुरानी चीजों के इतने शौकीन होते कुछ भी खरीद ले आते हैं। एल्विस करके एक सिंगर है, उनके बालों का गुच्छा $15,000 में बिका। आपको पता है जब से उसके बालों का गुच्छा बिका ना, अनुपम खेर साहब टेंशन में आ गए, कहते मेरा तो करोड़ों का नुकसान हो गया। स्कारलेट जॉनसन के यूज टिश्यू पेपर $2,000 में बिके। इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा, आप जितना गंदा सोच सकते हैं सोच लीजिए। खैर भाजी, नीलामी में कभी कभी अच्छी चीजें बिकती हैं, जैसे विदेश में महात्मा गांधी जी का एक चश्मा बिका, जो हमारे ही इंडिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो लेके आए, उनके लिए जोरदार तालियां। महात्मा गांधी जी का चश्मा तो ले आए, लेकिन इंतजार उस दिन का है कि किसी दिन महात्मा गांधी जी की सोच भी हमारे देश में वापस आ जाए, उस दिन ये देश और महान हो जाएगा। अगर पुरानी चीजों की बात कर ही रहे हैं तो मैं यहां बैठे जितने हमारे दर्शक हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि पुरानी चीजें आपकी लाइफ में कितना महत्व रखती हैं। जी जी मैम, हाँ मैं आपके पास भी आता हूँ। जी हेलो सिद्धू, हेलो सिद्धू। ओके वंस अगेन, हेलो कपिल एंड हेलो सिद्धू बाजी। मैडम, ओ मैडम, माजरा क्या है? कोई नहीं सर जी, बस ऐसे ही। जी मैम, मेरा नाम अक्षदा है, मैं काशी से रहती हूँ, बिलोंग करती हूँ। हाँ हाँ, बनारस से। तो मेरे पास बेसिकली बताने के लिए ये है कि मेरे घर में ऐसे मतलब मूर्ति हुई या और ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं एंटिक, बट बिकॉज मैं कर्मकांड वगैरह ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सो मेरे यहाँ आज भी जो है वो काफ़ी पुरानी मतलब दादा परदादा लोगों की लिखी हुई हस्तग्रंथित जो रहती हैं वो चारों वेदों की जो किताबें हैं वो हमारे यहाँ अभी भी प्रेजेंट हैं, और अभी भी हम उसको पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग संभाल रहे हैं, और उसकी हर साल हम लोग जो है सरस्वती पूजा वाले दिन उनको निकालते हैं। अच्छा, उसको साफ वगैरह करके पूजा करते हैं और फिर उनको फिर अपने जगह पे रख देते हैं। चलिए बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू सर। मोहतरमा, मोहतरमा, भारतीय संस्कृति जो है ना, हाँ, ये हमारी मूल है, फलो फूलो पर मूल ना भूलो। ये जितने भी चमत्कार, दुनिया के जितने भी चमत्कार हैं, ये संस्कारों के हैं। जी सर, इन्हें बिगाड़ डालो ये इंसान को हैवान बना देते हैं, इन्हें संवार डालो इंसान को भगवान बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही सर जी। बस मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो आज की जनरेशन है कुछ एंटिक चीजों को वो लोग मतलब कूड़ा ये सब समझ के मतलब फेंक देते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें इतनी बहुमूल्य होती है उनको अपने पास रखना चाहिए, उससे बहुत सारी चीजों का। अच्छा, एक सवाल और है आपसे, आप मतलब किसी भी टॉपिक पे इतना बोल लेती हैं। यस सर। अभी यहाँ पे किसके साथ आई हैं? मैं फिलहाल अकेली आई हूँ सर। और ये फॉरेनर्स जो हैं साथ में? I don't know सर। मैं बेसिकली अकेली आई हूँ। आप कहाँ से आए सर? आप हिंदी बोलते हैं? यार मैं माइक दीजिए। बेसिकली ये फॉरेनर नहीं है, फॉरेनर नहीं है, एंटीक पीस है। अभी एंटीक हो रहा है सब। अरे चलिए, थैंक यू बहुत शो में आने के लिए। जी मैडम, आप कुछ कहना चाहती थी? माइक दे दीजिए। कपिल सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा जी। और मैं, मेरी वजह से ना मेरे सारे घर वाले आपको देखते थे तब से, तो बाकी इससे भी देखते हैं। क्या बोल रही तो मतलब क्या कहना चाहती हैं आप? मैं यही कहना चाहती हूँ जी, सिद्धू पाजी तो बहुत डराते हैं। नहीं नहीं, ये कुछ नहीं कहना चाहती, ये सिर्फ शर्माएंगी। हाय हाय। वो मस्ती करते हैं पाजी वैसे ही। तो क्या कहना चाहते हैं? अब आप सुनो मत, सिद्धू पाजी क्या कर रहे हैं बताओ क्या। अच्छा मैं पास आ जाता, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाथ तो ठीक है, आप कुछ कहना चाहती थी, आपने पहले हाथ खड़ा किया ना। हाँ, मैं कह रही थी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपको बहुत पसंद करती हूँ, मेरी वजह से मेरी सारी फ्रेंड्स आपके फैन हो गई है। आपकी वजह से? मतलब नहीं नहीं, मतलब मेरी वजह से सब लोग कंटिन्यू देखते, स्टार्टिंग में देखते थे, बोलते थे यार तू 24 घंटे लगाती रहती है हम लोग को, फिर अब वो लोग नहीं छोड़ते टीवी जब भी मैं देखती हूँ। 24 घंटे तो हम आते नहीं, आप क्या देखती रहती 24 घंटे? बैठ जाइए, बैठ के बात करते हैं, अपना ही घर है। अब रिपीट तो आता है ना आपका शो? हाँ रिपीट तो आता है। तो कितनी बार आता है दिन में? तो उतनी बार देखते हैं सुबह से रात तक। तो शादी वगैरह होगी आपकी? नहीं अभी बॉयफ्रेंड है। नहीं मतलब अभी नहीं हुई।